श्री देवाय नमः भाइयों बहनों वृंदावन के बांके बिहारी जी अपने भक्तों की बहुत सुनते हैं जो उनको जैसे भजता है उस पर वैसी ही कृपा करते हैं तभी तो कहा गया है कि प्रभु में दिल लगाओ और संसार में दिमाग लगाओ जबकि हम संसार में दिल और भगवान में दिमाग लगाते हैं तो कृपा कहाँ से हो दिल लगाने से वह आपकी भावना को समझते हैं और उन पर विश्वास आपको हर मुसीबत से बचाता है यह केवल विश्वास और भाव का ही तो खेल है जिसने यह किया उस पर उनकी कृपा बरसती ही बरसती है आज उसी भाव और विश्वास को लेकर एक सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि आगरा की ममता जी ने भेजी है वह तो पूरी तरह से बिहारी जी की हो गई हैं इस कथा को सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे आज वही कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा अगर आप ऐसी ही भक्ति पूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें ममता जी ने बताया कि उनके पति बैंक में कार्य करते हैं उनके परिवार में उनकी सास ससुर और दो बच्चे हैं एक बारह वर्ष का और एक नौ वर्ष का उन्होंने बताया कि मैं बचपन से ही बिहारी जी की भक्त रही हूँ मायके में जब थी तब से हर माह मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करती थी मुझे मेरे बिहारी जी पर पूरा भरोसा रहता है कि उनके रहते मेरी कभी मेरा कभी अमंगल नहीं हो सकता मेरे साथ हुआ भी यही था कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी तब तक मैंने उनको अपने पास खड़े पाया उनकी कृपा की छत्र छाया में ही मैं और मेरा परिवार है आपको बता दूं मेरा विवाह भी बिहारी जी ने ही कराया था शायद आपको विश्वास नहीं होगा मेरे पापा जब मेरे लिए लड़का देख रहे थे उसी समय की बात है मैं पापा मम्मी के साथ बिहारी जी के दर्शन करने गई हुई थी उसी दिन मेरे पति अपने माता पिता के साथ बिहारी जी के दर्शन करने आए हुए थे मंदिर प्रांगण में ही मेरे पिताजी बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे उसी समय मेरी सासू माँ लड़खड़ा कर गिरने लगी क्योंकि मैं उस वक्त अपने पापा के पास ही खड़ी थी अतः गिरते समय बिहारी जी की प्रेरणा से मैंने उनको थाम लिया जिससे वह नीचे नहीं गिर सकी वह मेरा शुक्रिया अदा करने लगी तो मैंने कहा कि करने वाले तो सब बिहारी जी हैं मैं तो माध्यम हूँ उनके मंदिर में किसी का भी अहित नहीं हो सकता जिसके बाद वह मुझसे और मेरी मम्मी से बातें करने लगीं काफ़ी देर तक हम साथ, साथ थे बातों बातों में मेरे पापा जी के मुख से मेरी शादी की बात निकल गई जिसको सुनने के बाद मेरी सासू माँ ने कहा कि अगर आपको सही लगे तो मेरा बेटा है जो कि बैंक में कार्य करता है अगर आपको पसंद हो तो बात आगे बढ़ाएं मेरे घर वालों को लड़का पसंद आ गया वहीं पर ही हमारी शादी तय हो गई यह सब बिहारी जी की ही तो लीला थी कि हम लोगों को मिला दिया और हमारी शादी हो गई ससुराल वालों की तरफ से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की गई थी फिर भी मेरे पापा ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया बिहारी जी की कृपा से सब कुछ अच्छी तरह से हो गया किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई शादी के बाद भी मां में एक बार हम दोनों बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं बिहारी जी की दूसरी कपा जब हुई जब मेरा बेटा पैदा होने को था जब पांचवा महीना चल रहा था तो मुझे कुछ दिक्कतें आने लगी डॉक्टर ने कहा बच्चा आप गिरा दें, नहीं तो आपको भी दिक्कत होगी और बच्चा होगा भी तो उसमें कुछ कमी हो सकती है मेरी सासू माँ और मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टर की बात मान लो किंतु मुझे मेरे बिहारी जी पर पूरा भरोसा था पूरा विश्वास था कि उनके होते मुझे या मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा मेरे पति ने कहा तुम ठीक रहोगी तो बच्चा फिर हो जाएगा किंतु मैंने मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी आगे बिहारी जी को जो मंजूर होगा मेरी जीत के आगे घर वाले शांत हो गए समय गुजरता गया मेरा वजन ज्यादा नहीं बढ़ रहा था डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा काफी कमजोर मालूम पड़ रहा है मैंने कहा कोई नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा आप देखिएगा मुझे कुछ दिक्कतें हो रही थी किंतु बिहारी जी पर पूरा भरोसा ही मेरी ताकत बनी हुई थी मुझे हमेशा लगता था कि बिहारी जी मेरे साथ ही हैं जब नवा महीना चल रहा था तो एक दिन बिहारी जी ने स्वप्न दिया कि एक सुंदर सा बालक मेरे पास आया और बोला कि मैया तुम्हारे विश्वास की जीत होगी अपना भाव बनाकर रखना मेरी नींद टूट गई मैंने अगले दिन परिवार को यह बात बताई और कहा मेरा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा आखिर वह समय भी आ गया पहले तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा फिर ना जाने बिहार जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई मैं और मेरा बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ थे डॉक्टर ने कहा यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आपको लगातार दिक्कत बनी रही बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी उसके बाद भी दोनों लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं एकदम ठीक हैं आप पर सच में बाकी बिहारी जी की कृपा है जब मैं और मेरा बेटा घर आ गए तो मैंने अपने पति और सासू माँ से बिहारी जी के दर्शन करने की बात कही तो सासू माँ ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा बोली कि चली जाना सवा महीने के बाद हम सभी लोग वृंदावन जाके बिहारी जी के दर्शन किए बिहारी जी के सामने मैंने बेटे को आगे करके कहा प्रभु यह आपका ही दिया हुआ है अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरी आँखें भाव से गीली हो गई थी सच में बिहारी जी की कृपा का कोई पार नहीं पा सकता वह सबके विश्वास का मान रखते हैं बस कमी तो हम में होती है वरना उनकी कृपा तो हमेशा बरसती रहती है भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा अगर आपके पास भी बांके बिहारी राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सऐप पर भेज सकते हैं जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँगा ईमेल का पता व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं राधे राधे